आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। 20 मार्च को कांग्रेस मनाएगी लोकतंत्र सम्मान दिवस। जिले में तिरंगा यात्रा समेत कई आयोजन होंगे। कमलनाथ के इस्तीफे की तारीख को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बार एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बदलने का निर्णय लेकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपी थी, परंतु बीजेपी ने धन बल और खरीद फरोख्त की राजनीति करते हुए जनता की चुनी हुई सरकार गिराकर जनादेश और लोकतंत्र एवं संविधान का अपमान किया है। कमलनाथ जी ने जोड़ तोड़ सौदेबाजी अनैतिक दलबल कृत्य खुद को दूर रखकर भारतीय लोकतांत्रिक एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान जी का सम्मान किया और उसके हर एक भारतीय को खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। विधायक खरीद कर सरकार बनाने के लिए बीजेपी के इस अलोकतांत्रिक और कोलोकाल में कमलनाथ जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्ता का त्याग किया। वो हर एक भारतवासियों को लोकतंत्र के मूल्यों को सही तस्वीर दिखाई है। जिला कांग्रेस में लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने का ऐलान करते हुए बताया कि कमलनाथ जी द्वारा खरीद फरोख्त की राजनीति को ठुकराते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने की तारीख 20 मार्च को सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा का आयोजन, संविधान के प्रस्ताव का वाचन, वितरण, गांधी जी एवं अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, सभी कांग्रेस कार्यालयों में कमलनाथ जी की वीडियो संदेश का प्रदर्शन में प्रसारण किया जाएगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैं करता हूं। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष ने जिस तरह से अभी आप लोगों को जो बताया है कि लोकतंत्र सम्मान दिवस 20 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है और कारण है सर्वविदित आप लोगों को, जो जिस तरह से अभी प्रेस नोट पढ़ के भी सुनाया गया है और अपने वक्तव्य में भी सारी बातों का खुलासा किया है कि 15 वर्षों बाद हमारी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और बहुत बेहतरीन तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे और बीजेपी ने धनबल पे राजनीति करते हुए, खरीद फरोख्त की राजनीति करते हुए हमारी सरकार को, जो कमलनाथ जी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो गिराई है और भाजपा ने जिस तरह का जो रुख अपनाया था, ऐसा ना था, नहीं चाहते थे कि कोई असंवैधानिक काम हो, लोकतंत्र का गला घोटने का काम हो। इस कारण से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और 20 मार्च 2020 को इस्तीफा दिया था और आने वाले अभी 20 तारीख का साल पूरा हो जाएगा तो पूरे मध्य प्रदेश में 20 मार्च को हम लोग लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। बड़वानी जिले में जिला अध्यक्ष जी की तरफ से सारे ब्लॉक अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। वो कार्यक्रम है 2 से 4 किलोमीटर की तिरंगा पदयात्रा है और महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्टैचू पे माल्यार्पण है और उसके बाद जो संविधान प्रस्तावना का वाचन और उसका वितरण है और आदरणीय नाथ साहब का जो वीडियो रहेगा उसका प्रदर्शन है और उसका वितरण है। हजारों की संख्या में उस कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस जन और बड़वानी के हमारे भाई और बहनें हिस्सा लेने वाले, भाग लेने वाले हैं। तो ये आज का कार्यक्रम जिसकी खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की पूजनीय माता जी सुशीला देवी उमराव सिंह पटेल का कल बुधवार को दुखद निधन हो गया था। आज सुबह 9 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के निवास स्थान से उनकी माताजी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्ग कारंगा, अस्पताल चौक, बस स्टैंड से होते हुए नर्मदा तट किनारे राजघाट पहुंची, जहां माताजी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। ज्येष्ठ पुत्र रमेश पटेल ने माताजी स्वर्गीय सुशीला देवी को सामाजिक रीति रिवाजों के साथ मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के बाद एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संभागीय मंत्री जयपाल सिंह डावड़ा, समाज के प्रांत अध्यक्ष राधे श्याम जी, बैतूल सांसद दुर्गा दास उइके, संघ के विभाग कार्यवाह दीपक शर्मा, गोविंद रावल्या, नप अध्यक्ष लक्ष्मण चौहान आदि ने अपने भाव व्यक्त कर पटेल परिवार को सांत्वना दी। अंतिम यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, खरगोन जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़, कल्याण अग्रवाल, अंतर सिंह पटेल, बड़वानी सीएमचो सहित खरगोन बड़वानी जिले के अनेक भाजपा पदाधिकारियों,
कार्यकर्ताओं तथा कई शासकीय अधिकारियों ने स्वर्गीय सुशीला देवी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोरोना के मद्देनजर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधक आदेश। उल्लंघन करने वाले पर होगी धारा 188 के तहत कार्रवाई। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना प्रभावित रोगियों की संख्या के मद्देनजर एवं शासन के आदेश अनुसार संपूर्ण बड़वानी की राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। प्रतिबंधक आदेश के कारण अब जिले में जागरूकता के लिए पुनः रोको टोको अभियान चलाया जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, नियमों का पालन करवाया जाना अनिवार्य होगा। जिले में सभी नगरीय निकाय में कचरा वाहनों से ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का आह्वान किया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वाले को समझाइश दी जाएगी, नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दुकान प्रतिष्ठानों पर संबंधित संचालक अपने दुकान पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर अपने ग्राहकों को सामग्री वितरण करेंगे। जो मास्क लगाकर आय हो तथा सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करना होगी। संपूर्ण जिले में दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले के बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। बड़वानी जिले के महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र सेनवा पानसेमल खेतिया में अधिक फोकस किया जाएगा। महाराष्ट्र से आए लोगों की पहचान कर उन्हें 7 दिवस के लिए होम क्वारंटाइन आवश्यक रूप से रखने की सलाह दी जाएगी।